राजनाथ गांव में चुनावी वर्ष में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस की ऋण माफी घोषणा के कारण इस बार धान की जोरदार खरीदी होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने किसानों की उपज की 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक खरीदी की घोषणा की है और इसी क्रम में कांग्रेस ने ऋण माफी की भी घोषणा की है। बता दें कि जिसको लेकर इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी होने की संभावना है। धान टोकन टोकन नहीं निकला है धान बेचने के लिए कि ताकि जल्दी से जल्दी पैसा मिल सके, ऐसा करके धान बेच सके। हाँ, धान बेच सके करके। कतेक एकड़ है आपके पास? 7-8 एकड़ है, लेकिन अभी अभी तो 1010 बेचना है। 1-2 एकड़ का अभी हुआ है। अच्छा, अभी बाकी तो सरना धान बोआ है। सरना बोला है। हाँ, एक बार कैसे हुए धान? धान तो अच्छा है सर। अच्छा, अच्छा मिली पैसा? हाँ हाँ, ठीक है। आज पहला दिन आया, 4 किसान गया है और नमी चेक किया जा रहा है और धान खरीदी किया जा रहा है। धान पतला धान आज ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी, टोकन आज 4 लोग का आया था, वो कंप्लीट हो गया है टोकन। हाँ, टोकन पहले मिल रहा है, जो आप पहले आ रहा है वो पहले मिल रहा है। हाँ, टोकन के माध्यम से खरीदी हो रहा है। व्यवस्था सब चीज़ है हमारे पास, ड्रेनेज वेनेज सब बना लिए हैं, पानी के पीने की व्यवस्था है, किसानों को बैठने की व्यवस्था है, तारपोलिन व्यवस्था है, पानी वानी ढकने के लिए सब है। ढाबा समिति, केजू पटेल।